फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका आपके अपने चैनल रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक और नई रेसिपी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं किचन में आज आपके लिए क्या खास रेसिपी हम लेके आए हैं। आज हम मूंगफली से बनाएंगे सर्दी की सबसे ज़्यादा पसंद होने वाली रेसिपी, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर और एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये जो हम मूंगफलियाँ हैं इनको हम एक कढ़ाई गरम कर लिए बिना तेल के। मूंगफली की गज्जक बनाने के लिए, इसके लिए हमें सबसे पहले जो मूंगफली है ना, ये हमने कच्ची मूंगफली ली है जो पैकेट में आती हैं, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनने से क्या होगा कि ये गर्म हो जाएंगी, थोड़े से इसमें निशान वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, भुनने के बाद खुशबू आने लगेंगी मूंगफली भुनने की, तो उससे छिलका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हमें निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसे हमें जल्दी से तेज आंच पे, गर्म आंच पे हमें अच्छे से भूनना है। देखिए आपको दिख रहा होगा तो इसमें मूंगफलियों के अंदर ना थोड़े निशान आने शुरू हो गए हैं और छिलके भी अपने आप हटने लगे हैं, क्योंकि जब वो गर्म हो जाते हैं तो छिलके जो हैं क्रैक होना शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नरम की वजह से वो चिपके रहते हैं। तो ये अच्छे से भुन चुके हैं। मैं गैस की फ्लेम यहाँ पर बंद कर देती हूँ और इसे निकालेंगे एक प्लेट पर ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से भुन गए हैं, निशान आ गए हैं और मुझे तो खुशबू भी आने लगी है भुनने की। तो इस टाइम पर हम इसे निकालेंगे एक प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे जिससे कि हम इसे अच्छे से फैला सकें। मूंगफली को छीलने का मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। वैसे ही सबसे बेस्ट है कि जिस टाइम पे मूंगफली गरम गरम होती है उस टाइम पे छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है। तो हमने मूंगफली गरम इसमें डाल दिया कपड़े के ऊपर और अब कपड़े से हम इस तरीके से इसे रगड़ेंगे जिससे कि वो कवर जो है ना वो नीचे निकल जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही आराम से इसका सारा कवर निकल रहा है। तो इसी तरह हम सभी मूंगफली कर लेंगे। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है करने का वो ये है कि आप मूंगफली को इस तरीके थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरीके से हाथ में लें और ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के उसके जो छिलका है कवर है वो निकाल सकते हैं। पर मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि इस तरीके से कपड़े में डाल के करेंगे आप तो ये बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपके और इस तरीके से करने से आपके हाथ भी बिल्कुल नहीं जलेंगे गरम गरम मूंगफली में और छिलके भी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं तो इसी प्रोसेस से करने वाली हूँ सभी छिलकियों को, यानी कि मूंगफली से अलग। तो कपड़े पे हमने बहुत ही आराम से सारी मूंगफलियों के जितने भी छिलके हैं वो निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें दो टुकड़ों में करना है। तो दो टुकड़ों के लिए आप इस तरीके से रगड़ लीजिए, थोड़े तो उसमें हो ही चुके हैं, बाकी जो हमें करने हैं तो आप इस तरीके से टाइट से रगड़ेंगे तो वो दो पार्ट में मूंगफली हो जाएंगी। और जब ये दो पार्ट में मूंगफली हो जाएंगी तो उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा इसमें कूड़ा है मूंगफली का छिलका वो निकालना है। तो उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से निकाल लीजिए। और मूंगफली तैयार होने के बाद गैस ऑन करके हम इस पर कढ़ाई रखेंगे। तो फाइनली मूंगफली की गज्जक बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है गुड़। तो यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है जिस बाउल से मैंने मूंगफली मेजर करी थी, एक बड़ा वाला वाइट बाउल, सेम उसी बाउल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ये गुड़ लिया है और गुड़ को थोड़ा सा फोड़ लिया है जिससे कि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। और हम इसे अब डाल देते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में गुड़ डालने के बाद गुड़ को थोड़ा मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे और साथ में ही गुड़ में हम डाल देंगे देसी घी थोड़ा सा। तो मैं एक चम्मच के करीब यहाँ पर देसी घी ऐड कर रही हूँ और जो गुड़ को है हमें बिल्कुल मेल्ट करना है। गुड़ मेल्ट हो रहा है, इतने ही टाइम में हमें क्या करना है कि हमें एक प्लेट लेनी है जिसमें भी आपको ये गज्जक तैयार करनी है, कोई भी थाली प्लेट वगैरह आप ले सकते हैं स्टील की, और उसमें हमें डालना है थोड़ा सा देसी घी ग्रीस करने के लिए जिससे कि हम गज्जक बनते ही एकदम तुरंत गरम गरम इसमें डाल दें, क्योंकि जो ये गज्जक होती है ना ये बहुत जल्दी चिपक जाती है, मतलब बहुत जल्दी टाइट हो जाती है, तो वो पहले ही शेप ख़राब नहीं हो जाए इसलिए हम थाली को तैयार करके रखेंगे। और घी आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिएगा जिससे कि उसे छूटने में निकलने में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ मैंने प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर दिया है, अच्छे से चारों तरफ इसमें घी लगा दिया है और अब यहाँ पर देखिए ये जो गुड़ है ये भी मेल्ट हो चुका है और मेल्ट होने के बाद इसे हमें एक मिनट तक पकाना है।
ये जो गज्जक बनाने की रेसिपी है मूंगफली की गज्जक, ये आपकी पहली ही बार में परफेक्ट बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी ये ख़राब हो जाएगी या चिपचिपी बनेगी या फिर दांतों में चिपकेगी या फिर जमेगी ही नहीं। बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जमती नहीं है बहुत लोगों की, या फिर अगर जम जाती है तो वो चिपचिपी होती है खाने में, दांतों में चिपकती है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी के साथ शेयर करेंगे, बनाएंगे, तो ये 100% पहले ही बार में बिल्कुल बेस्ट जो है आपकी गज्जक बन के तैयार होगी। तो यहाँ अभी हमें इसे पकाना है गुड़ को। तो देखिए गुड़ जो है मेल्ट होके अच्छे से पकने लगा है, थोड़ा सा फूलने लगा है। अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा गुड़ को चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में पानी लिया है, और जो गुड़ है वो हमें थोड़ा सा इसमें इस तरीके से टपकाना है। अभी पानी के अंदर इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे ये चिपचिपा है या ये कुरकुरा है। तो यहाँ पर हम इसे पकाते रहेंगे, गैस की फ्लेम हम थोड़ी लो कर लेंगे जिससे कि ये जले नहीं। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है गुड़ के अंदर बिल्कुल भी, सिर्फ इस तरीके से ही हमें इसे चलाते हुए पकाना है। और गुड़ बहुत जल्दी जल जाता है तो इसलिए ध्यान रखिए, चलाते रहिए और फ्लेम जो है बिल्कुल आप लो पे रखिए। और अब देखिए जो ये मैंने उसमें कटोरी में डाला था उसके अंदर से ये मैंने निकाला है, तो ये अभी बिल्कुल चिपचिपा टाइप में है, इस तरीके से खिंच रहा है ये देखिए खिंच रहा है। तो अभी गुड़ तैयार नहीं है, तो हम इसको अभी और एक मिनट तक पका लेंगे। तो अब हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से हम लेंगे यहाँ पर पानी और जो गुड़ है, अब हम गुड़ को यहाँ पर इस तरीके से डाल देते हैं इसके अंदर और फिर इसे ठंडा होने देंगे। और पानी में से कोई सा भी एक जो पीस है इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर आपको दिख रहा है तो इस तरीके का ये पीस है, और अब इसे हम तोड़ के देखेंगे खिंच रहा है या टूट रहा है। तो ये खिंच नहीं रहा है, ये टूट रहा है। ये देखिए अगर आपको दिख पा रहा है तो ये खिंच नहीं रहा है, ये इस तरीके से टूट रहा है। जैसे कि कोई मतलब आप वो तोड़ते हैं ना, जैसे कांच तोड़ते हैं या कुछ तोड़ते हैं, उस तरीके से टूट रहा है, ये खिंच नहीं रहा है। तो यानी कि जमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि गुड़ अच्छे से तैयार हो गया है तो हमें अब इसमें मूँगफली जो हमने ली थी वो मूँगफली इसके अंदर हमें ऐड करनी है। सभी मूंगफलियाँ इसके अंदर ऐड कर दी, गैस की फ्लेम हम बंद कर चुके हैं और अब मूंगफलियों को हम मिला देते हैं इस गुड़ के साथ। बहुत स्पीड से ये जो प्रोसेस है ये करना है हमें, क्योंकि ये यहीं पर ना जम जाए। तो इसे हम मूंगफली को गुड़ के साथ, तो यहाँ पर मैंने वो थाली ले ली है जिसमें मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था इसे, और अब इसके अंदर हम ये तुरंत के तुरंत हमें ये सारा जो मिक्सचर है वो डालना है मूंगफली और गुड़ का। तो ये मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब इसे हम फैला लेंगे क्योंकि घी है। तो इसको डालने के बाद हम इसमें निशान बना देंगे कट करने के लिए पीसेस। तो यहाँ पर जो भी आपको शेप में इसको इस तरीके से, क्योंकि जमने के बाद ये बहुत टाइट हो जाएगा, तो पहले यहाँ पर हम निशान कर देते हैं। ये अभी से ही जमनी शुरू हो गई है। तो मूंगफली की गज्जक जो है बहुत अच्छे से जम चुकी है, और ये गज्जक जो होती है हम बनाते हैं सर्दी के टाइम में। तो जब सर्दी के टाइम में ना घी वगैरह आप कुछ भी लगाएंगे तो वो जम जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने नीचे बेस पे घी लगाया था वो भी जम गया है, तो उसको हमें थोड़ा सा पिघालना पड़ेगा। यानी कि आप जो स्टील की प्लेट में इसे लगाते हैं, जमाते हैं गज्जक को, उसे गैस ऑन करके हल्का सा उस पर घुमा दीजिए तो वो घी मेल्ट हो जाएगा। अब उससे क्या होगा कि घी मेल्ट होने के बाद गज्जक जो उतरने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, नहीं तो आसानी से उतरेगी नहीं। तो मैं एक पहले छोटा सा पीस निकाल लेती हूँ इसका, ये देखिए जैसे मैंने पीस निकाला है बिल्कुल एकदम बढ़िया जम के निकला है। तो ये देखिए बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि चिपका है या जमा नहीं है, आप देखिए एक बार में एकदम परफेक्ट जो पीस है इसका वो बन के निकला है। तो देखिए ये जो गज्जक का पीस है बिल्कुल अच्छा कुरकुरा क्रिस्पी सा बन के निकला है। तो मैं इसको एक बार आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ।
आपको आवाज आई एकदम बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, ऐसा नहीं है और एक ही बार में पहले ही बार में आपके सामने निकाल लिया है और जो है इन्हें भी सारे पीस एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। बैक साइड देखिए, बैक साइड भी और फ्रंट भी। तो ये जो कुरकुरी क्रिस्पीनेस है इसके बनाने का जो कारण है वो बनने का वो है कि आप गुड़ का जो मेजरमेंट है बिल्कुल ठीक करें। तो देखिए आवाज़ कितनी क्रिस्पी थी इसकी, एकदम बिल्कुल क्रिस्पी है, कहीं से भी सॉफ्ट नहीं है, ऐसा नहीं आपके दांतों पे चिपकेगा, एक बार में परफेक्ट गज्जक बन के तैयार होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसके सारे पीसेस निकाल लेते हैं, फिर आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। और ये जो गज्जक है ये आराम से निकल चुकी है और अब देखिए आप इसके जो पीस हैं वो भी परफेक्टली निकल जाते हैं अगर आप घी को थोड़ा सा गर्म कर लें। और इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी है। एक और स्टील की प्लेट ली है, अभी आपको इसमें आवाज़ सुनाते हैं। तो देखिए एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बन के तैयार होती है। सर्दी के मौसम में गज्जक कौन नहीं खाता, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बच्चों को तो खास तौर से। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्दी के टाइम में मार्केट जाते हैं, गज्जक उठा के ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं, घर पे बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम जब घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो गज्जक का क्या होता है कि वो प्लेट में या तो जमती ही नहीं है, हमें चम्मच वगैरह से खानी पड़ती है या उसकी बॉल बनानी पड़ती है, और जब जम जाती है तो वो दांतों में चिपकती है, परफेक्ट तरीके से नहीं बनती, कई बार अटैम्प्ट करने पे यानी कई बार बनाने पे भी नहीं बनती। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और फिर से सोचते हैं अरे जाके मार्केट से क्यों नहीं ले आते, तो हम मार्केट से लानी पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपकी गज्जक पहली बार में बिल्कुल सही परफेक्ट सेट हो जाए तो कैसा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि गज्जक पहली बार में बिल्कुल परफेक्टली बने तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगती है मूँगफली गज्जक, और बनाने में भी बहुत आसान है, एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट कुरकुरी क्रिस्पी जो है गज्जक बन के तैयार होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए, आपको ये मूँगफली की गज्जक की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।